पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक की गई। इस बैठक में विभागों का होमवर्क खासा कमजोर नजर आया, जिसको देखते हुए प्रभारी मंत्री ने कई विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिला योजना में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 39 करोड़ रुपए के सापेक्ष 14 करोड़ 12 लाख रुपए शासन की ओर से जारी किए गए हैं, जिनका उपयोग पहले से चल रही योजनाओं में किया जाएगा। राज्य का एलोकेट आउटले 39 करोड़ 48 लाख, इसके सापेक्ष शासन के द्वारा 14 करोड़ 12 लाख हुआ है। तो सर्वप्रथम सभी लोगों की सहमति थी, जो हमारी ऑन गोइंग योजना है, जो योजना चल रही है पिछले साल की जिला योजना में, उन योजनाओं की अवशेष धनराशि जो तकरीबन 8 करोड़ 61 लाख। इस बैठक में धारचूला विधायक हरीश धामी और डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल सहित जिले के सभी प्रतिनिधि मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट।